दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। अभी मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हूं और यहां हमारी मुलाकात हो रही है लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी अतहर जमाल लारी साहब से। वो काफ़ी पुराने नेता हैं और उनके बारे में जिस तरीके से पता चलता है कि वो आंदोलन के वक्त से उन लोगों का जो है आगमन हुआ, और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आप की राजनीति सफ़र क्या थी और आप जो जो वाराणसी 77 जो क्रमांक से आपने जो चुनाव लड़ा लोकसभा का, तो कैसा आपने फील किया बताइए। देखिए, जहाँ तक मेरे राजनीतिक सफ़र की बात है तो हम शुरू से ही लोहिया और अम्बेडकर के मानने वाले लोग रहे हैं और बचपन से ही राजनीति में शौक रहा। कभी लोहिया जी के अंग्रेजी हटाव आंदोलन से जुड़ा, तो कभी समाजवादी और अम्बेडकर वादी विचारधारा से मैं प्रभावित रहा। और ये मैं जो चुनाव लड़ा हूँ लोकसभा का इस बार, तो इसके पहले भी पहला चुनाव लोकसभा का मैं 1984 में जनता पार्टी से लड़ा था, उस वक्त दूसरे नंबर पे था, और फिर 2004 में भी लोकसभा का मैं चुनाव लड़ा हूँ। और इस बार तो मैं बहुत ही मेरा ख़राब ही रहा, चूँकि हमारे समाज ने, चूँकि मैं बुनकर हूँ और बुनकारी मेरा पेशा है, और बसपा ने मुझे टिकट दिया था, उससे चुनाव लड़ा, लेकिन हमारे समाज ने जो है वोट नहीं दिया, जिसके वजह से मैं तीसरे नंबर पे आ गया। अगर हमारा समाज, बुनकर समाज हमारे साथ जुटता तो यकीनन हम नरेंद्र मोदी जी को मजबूती से टक्कर देते, लेकिन लोगों के दिमाग में था इंडिया गठबंधन, मोदी जी हार रहे हैं, इसलिए एक तरफा वोट जो है, जो हमारे कुछ बेस वोट भी थे वो भी टूट गए, क्योंकि जब हमारा ही हमको वोट नहीं मिल रहा था तो और तमाम बैकवर्ड वोट, इसके पहले हमको 2004 में 1,00,000 वोट बैकवर्ड समाज का मिला था, पटेल समाज का मिला था, वो सब भी वोट टूट गए। और जहाँ तक संघर्ष की बात है तो छात्र जीवन से ही हम बुनकर हो, किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, जिसकी भी जब भी जहाँ भी लड़ाई लड़ी है, लड़नी पड़ी है, हमने लड़ा है। सामंतवादियों के ख़िलाफ़ मैं हमेशा हमने लड़ाई लड़ी है। हर मौके पे मैं उन तमाम दलितों, पिछड़ों, बुनकरों, किसानों, मजलूमों की लड़ाई जो है मैं लड़ता रहा हूँ। अब जहाँ तक सवाल इस चुनाव का है, बहरहाल इस चुनाव में मुझे बहुत ज़्यादा शिकस्त हुई है और इसका कोई गिला नहीं है, शिकवा नहीं है। जिन लोगों ने हमें वोट दिया उनका भी शुक्रिया, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनका भी शुक्रिया। यह राजनीति है, राजनीति में चलता रहता है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हमारा समाज जो जिस तरीके से जिन लोगों को वोट दिया, आज 4 जून के बाद पूरे देश में जो एक हमारे ख़िलाफ़ नफ़रत का माहौल पैदा किया जा रहा है, जगह जगह मॉब लिंचिंग हो रही है, चाहे वो भाजपा की हुकूमत हो, चाहे वो प्रदेशों में कांग्रेस की भी हुकूमत हो, आज हमारे इस मुद्दे पे कोई बोलने वाला नहीं है। हमारे से तो वोट थोक में एक मुश्त ले लिया जाता है, हम इतना वोट देते हैं कि हमको दूसरा अपना दुश्मन हमको समझता है और हमारे खिलाफ़ वो जहाँ तक भी हो सकता है वो कार्रवाई करता है। हमारे खिलाफ़ जुल्म होती है तो वो बोलता नहीं है, हमारे FIR दर्ज नहीं होते हैं। लेकिन जो आज जो लोग हैं विपक्ष में, जो आज मजबूत विपक्ष बना है, और ख़ास तौर से राहुल गांधी जो प्रतिपक्ष के नेता बने हैं, एक बार भी पार्लियामेंट से ले करके कहीं भी, वो मणिपुर में जा रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, वो हाथरस में जा रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, कभी किसी ड्राइवर से मिल रहे हैं, कभी खेत में जा रहे हैं, तमाम जगह पे जा रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी मॉब लिंचिंग में मारे गए
अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से मिलने तो की बात तो दूर की है, उस पर एक बयान भी उनका नहीं आया और तमाम लोग खामोश हैं। आखिर वो कौन सी रणनीति है? हम तो एक तरफा हमारे समाज ने आपको उठ दिया। अभी पत्रकारों के ऊपर मुकदमा हो गया, उन पत्रकारों को उन्होंने वादा किया था जब उनका जो है भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, तो पत्रकारों की वादा किया था, चाहे वो वसीम अकरम त्यागी हो चाहे वो तमाम लोग हों, उनके ऊपर FIR हो गया। उन्होंने बस लिख दिया, ये न्यूज़ चला दिया कि मॉब लिंचिंग हुई और उत्तर प्रदेश की सरकार शामली की पुलिस ने उनके खिलाफ FIR कर दिया, लेकिन उन तक की भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आज अफसोस इस बात की है कि हम जिसको नेता बनाते हैं, जो हमारे वोटों से नेता बनता है, वो जब नेता बन जाता है, मजबूत हो जाता है, तो हमारी आवाज़ गायब हो जाती है। कहीं कोई हमारी आवाज़ उठाने वाला नहीं है, न कोई हमारी बात करने वाला है। लारी साहब, एक सवाल है कि जिस दिन आपने टिकट लिया, टिकट लेने के बाद अब जब मैदान में आए, तो आपको एक ऐसी फीलिंग होती होगी कि लोग ये कहते हुए मतलब नज़र आते होंगे कि ये वोट काटने वाले हैं, उस वक्त आपको कैसा लगता होगा? आप तो बहुत पुराने नेता रहे हैं और हर मतलब विधानसभा भी लड़ा है, लोकसभा भी लड़ा है, तो कैसा लगता है अपने दिल की? देखिए, हमें तो टिकट एक बार मिला बसपा से, फिर कट गया। उस वक्त मिला तो लोगों की फीलिंग अच्छी थी हमारे समाज में, फिर कट गया और कटने के बाद दोबारा मिला। तो अब देखिए, ये पहला चुनाव हमारा नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं, बनारस से कभी कोई मुसलमान पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ा था, न किसी ने कभी कोई हिम्मत की थी लड़ने की, न कभी किसी पार्टी ने टिकट दिया। 1984 में सबसे पहला मैं मुसलमान था जो हमको जनता पार्टी से, चंद्रशेखर जी की पार्टी से, मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, पहला मुस्लिम था। उसके पहले कभी किसी पार्टी ने किसी मुस्लिम को टिकट दिया, न कभी कोई मुसलमान चुनाव लड़ा था, मैं पहला शख्स था। एक रास्ता मैंने दिखाया कि काशी से भी, बनारस से भी मुसलमान चुनाव लड़ सकता है। वही हाल 1991 में मैं कैंट विधानसभा से पहला मुस्लिम था जो विधानसभा का चुनाव लड़ा, जहाँ कि मुस्लिम वोट नहीं था उतना, बहुत कम है कैंट विधानसभा, अब थोड़ा बढ़ा है। पहले जब मैं लड़ता था 91-93 में, तो मैंने एक रास्ता दिखाया कि कैंट से भी, हिंदू बेल्ट से भी मुसलमान चुनाव लड़ सकता है। मैं यहाँ से छात्र संघ का चुनाव भी जीता हूँ, पहला मुस्लिम था जो DAV कॉलेज से मैं चुनाव जीता था। तो हमने एक रास्ता बताया और आज नतीजा ये हुआ कि बनारस से लोकसभा में मुसलमानों को भी टिकट मिलने लगा, उसी में मुख्तार अंसारी भी लड़े और बहुत से मुस्लिम बाद में हमारे बाद जो है पार्टियों ने टिकट दिया। वही कैंट में भी हुआ कि हमारे लड़ने के बाद जो मैंने रास्ता दिखाया, तो बहुत सी पार्टियों ने, राष्ट्रीय पार्टियों ने भी मुस्लिम को टिकट देने का काम किया। आज मैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लड़ा, प्रधानमंत्री जो देश के बहुत बड़े ताकतवर, मजबूत अपने को समझते हैं, पूरी दुनिया में कहते हैं कि दुनिया हमको लोहा मानती है, हमने एक मिसाल पैदा किया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ भी चुनाव लड़ा जा सकता है काशी से, बनारस से। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री को हराया नहीं जा सकता या उनके खिलाफ चुनाव लड़ा नहीं जा सकता। तो मैंने ये भी एक मिसाल बनाई, एक अल्पसंख्यक होने के बावजूद, एक बुनकर होने के बावजूद, हम प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़े। लेकिन ये बात आपने जब सही बोला कि मैं 2004 में चुनाव लड़ा तो भी मुझे कहा गया कि भाजपा के एजेंट है और बी टीम है, बुनकर है, मुसलमानों का वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं, और उस वक्त मुझे 96,000 जो वोट मिला वो हिंदू समाज, बैकवर्ड समाज का मिला, उसमें मुश्किल से 1,500 जो है मुस्लिम वोट रहा होगा, चूँकि दक्षिणी जो उत्तरी मुस्लिमों का बेल्ट रहा, कहीं 2400 पाया, कहीं 700 पाया, और देहात से मैं गंगापुर से लेकर अर्चक से जीतते हुए आया, 2004 में भी कहा गया, और फिर मैं 2024 में लड़ा तो भी कहा गया कि भाजपा के एजेंट हैं, भाजपा को जिताने के लिए चुनाव मैदान में आए हैं, ये बी टीम है। तो जब भी कोई मुसलमान लड़ता है तो हमारा ही समाज जो है, जैसे असदुद्दीन अवैसी को कहा जाता है कि भाजपा की बी टीम है, हम उनकी आवाज़ उठाते हैं, हम उनके लिए लड़ते हैं, मरते हैं, वो बहुत से लोग आवाज़ उठाते हैं फिर भी उनको बी टीम कहा जाता है। सेकुलर पार्टियां जो हैं, हमको, हमारे समाज के लोग हमको बी टीम कहते हैं। दूसरी की तो बात छोड़ दीजिए,
कष्ट होता है, तकलीफ होती है, मन टूटता है, लेकिन फिर भी दिल में आता है कि चलो जिसको जो कहना हो कहने दो, हम आतिश शोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिश शोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे, कोई कुछ भी कहे हमारा जो फ़र्ज़ है हम उसको निभाते रहेंगे, हम हकीकत और सच बात कहते रहेंगे, बोलते रहेंगे, हमारे बोलने पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। अतहर जमाल लारी साहब ने बेबाकी से अपनी बात बाबा दर्शन न्यूज़ के बीच रखी और उनका कहना है कि हिम्मत होनी चाहिए, इसलिए कि बिहार बिहार हो या झारखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट जो थी वो बहुत बड़ी सीट थी, इसलिए कि यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे और मैं मुसलमान का बेटा होकर उनके ख़िलाफ़ चुनाव लड़ा, ये बहुत बड़ी बात है और मुसलमानों के लिए फ़ख्र की बात है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्ला खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।